और भैया जी तो स्वागत है आपका इस टट्टी भरी मेरा मतलब है कि मस्ती भरी गेम प्ले में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो पहले से नागिन निकाल। मैंने कहा अभी हम मिलिट्री बेस जाएंगे, ठीक है चलो। अब जैसे मिलिट्री बेस में आते देखो क्या होता है। अरे किलचोर, अरे भाई हमने किलचोर को लेटा दिया। अरे भाई, अरे मुझे पता है फेक किलचोर था ये। अब जैसे इस दोनों को घुटनों पे लाते हैं तब इसका तीसरा बंदा दौड़ता चलाता है। तुमने हमारे लौंडे को कैसे रच किया? हमने कहा आप ही बताते हैं, रुको। ऐसा रच किया। अब जैसे तीन बंदे को घुटनों पे लाते तीनों चिल्ला रहे होते कि अलग करो, बचाओ, अरे बचाओ, अरे कहाँ गए, अरे चार नंबर कहाँ गए, बचाओ। हमने कहा कोई बचाने नहीं आएगा जब तक हम जिंदा है, तभी हमको वोट मानने लगता है। उसने कहा हमको भी आशीर्वाद चाहिए। हमने कहा भी देते हैं, रुको। घंटा आगे चारों के चारों घुटनों पे किलचोर भैया भी घुटनों पे आ गए, तभी हम बोर्ड चचा को भी सीधा लो भी भेज देते हैं। अब जैसे ही बोर्ड चचा को आशीर्वाद देते हैं तभी थोड़ा लूटर पुटर करके हम सीधे यहाँ पे दारू बारू की बाटी एक मर रहे हैं, तो किसी को बताना मत आप। अब जैसे यहाँ पे हम एनर्जी ड्रिंक विंक थोड़ा पी लेते हैं तभी देखिए हमको यहाँ पे फुटस्टेप लप्पू झप्पू कहने लगते हैं। अरे लप्पू झप्पू, अरे कहाँ गए, 8 o'clock घंटा। अब जैसे लप्पू का घंटा बजाते हैं तभी लप्पू चिल्ला रोता है कि हेल्प करो, अरे झप्पू हेल्प करो, अरे कहाँ ढूंढ रहे हो, अरे तुम्हारे पीछे हो, 8 o'clock घंटा। अब जैसे इस लप्पू झप्पू को जैसे घंटा बजाते हैं तभी हम यहाँ पे फ्लेयर मतलब कि लाल घोड़ा चला देते हैं। अब जैसे लाल घोड़ा चलाते हैं तभी दो बंदे और आ जाते हैं, उसने लप्पू झप्पू आ जाते हैं। हमने कहा कितने लप्पू झप्पू इस गेम में भरे हो, मिलिट्री बेस अब नहीं आऊँगा मैं, मेरे को ड्रिल रखता है। अब जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं तभी देखिए हम यहाँ नीचे लप्पू झप्पू हमको दिख रहे होते, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, घर पे ही नहीं जा रहे होते। हमने कहा भी रुको, 8 o'clock घंटा। अब जैसे इसको घंटा बजाते तभी देखिए लप्पू गर्म हो जाता है, कैसे तुम्हारे को टच किया। हमने कहा अभी बताते हैं, रुको, आजा, 8 o'clock घंटा। अब जैसे इस दो लप्पू जब वो कोकंटा बजा के सीधा कौन कर लो भी भेज देते हैं तभी हम यहाँ से गाड़ी अपनी लेकर दो टायर पंचर वाली गाड़ी लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी देखिए आगे हमको कोई बोट को बोट के ऊपर अत्याचार करता हुआ दिखाई देता है। हमने कहा बोट के ऊपर अत्याचार करोगे, अभी रुको, अभी तुमको घंटा बजाते हैं, अभी रुको। अरे नोटबुक नहीं किया ना तो हम उसका दिल चोरी कर लेते, पहले देख लेते नहीं किया, 8 o'clock घंटा। अब जैसे निखिल 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि उसको घंटा बजाते उतनी देर में गाड़ी लेकर सीधा पोचिंग की में जाता। जैसे पोचिंग की में आते हैं तभी देखिए यहाँ पे बंदर की पसड़ मची हुई होती है। हमने कहा अभी रुको, हमारे अकेले अकेले रह रहे हो, अभी रुको, हम विक्टर के साथ आ रहे हैं, तुमको पेटी चमकाने तुम्हारी आ रहे हैं, अभी रुको, कहाँ गए, अरे सामने अभी रुको। अब जैसे यहाँ पे गाड़ी लेकर आ रहे हो तभी हम यहाँ पे देख रहे हो शांति से कैसे कहाँ है, कितने बंदे है, क्यों है, कौन है, क्या क्या है, एंडी है, कौन है, सारा है, अभी रुको लो घंटा आप। अब जैसे एक लप्पू का घंटा बदलते हैं तभी उसका कलुआ चाचा बोलता है कि हमको भी प्रसाद चाहिए। हमने कहा अभी रुको, तुमको भी देते लो प्रसाद। लाखों को तो हम सीधा उसकी सीधी पेटी चमका देते हैं तभी उसके दो बंदे बोलते हैं कि तुमने उसको लोबी भेजा, हमको भी लोबी जाना। हमने कहा अभी रुको, तुमको भी लोबी भेजते। अब जैसे इसको तो हम घंटा बजाने की कोशिश करते हैं पर पोचिंग की में से कोई हमको बजाने की साजिश रच रहा होता है। हमने कहा हमको मारोगे, अभी रुको, अभी हम सीधा छोटा भीम का लड्डू बड्डू करते हैं, महाकाल के आशीर्वाद से, पर फटता नहीं है वो। हमने कहा अभी तो आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी। जैसे गाड़ी निकालते तभी यहाँ से हम जा रहे होते तभी हमको यहाँ पे बंदा वो दिख जाता है, सांप मतलब कि जहरीला सांप। अरे भाई, अरे अरे भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़, अरे लप्पू को लो भी पहुँचा, अभी तुमको भी पहुँचाते, रुको। और भैया जी तो देखिए अब जैसे यहाँ पे इस कीड़े मकोड़े वाले हाउस में आ जाते तभी हम यहाँ पे सीधे हाउस के अंदर चलने की सोच रहे होते हैं, पर हमको यहाँ बाहर से कोई लप्पू झप्पू की आवाज़ आ रही होती, खुसुर कर रहे होते हैं। हमने कहा भी रुको, हमने लप्पू को तो लॉबी पहुँचा दिया था, तुम्हारी भी बारी आ चुकी है, कहाँ गए, आ गए, 8 o'clock घंटा। आप अब जैसे इस राम चचा को हम घंटा बदलते हैं उतनी देर में लक्ष्मण चचा भी आ जाते हैं कि हमको भी घंटा बजवाना है, तुम कैसे घंटा बजाते हो। हमने कहा रुको अभी बताते हैं तुमको। अब जैसे ही हम यहाँ पे देखा देखी, अरे आ गए, 8 o'clock घंटा। अरे इसको जैसे घंटा बजाते हैं तभी इसका एक और चचा आता है कि हमको भी घंटा बजवाना है। हमने कहा ठीक है चलो तुम पहले लॉबी निकल लो। जैसे इसको लॉबी बजते तभी इसका चौथा बंदा गर्म होकर जाता, तुमने हमारे लौंडे को कैसे रच किया। हमने कहा ऐसे रच किया। अब जैसे इसको हम फिनिश करें लूटा लाटी कर रहे होते हैं
तभी देखिए हम गाड़ी लेकर सीधा यहाँ से पोचिंग की चले जाते हैं। जैसे पोचिंग की मारते हैं यहाँ पर भी फुल स्क्वाड होती है। हमने कहा कितने स्क्वाड है, बड़ी बड़ी है इस गेम में। हाँ भाई हमको तो खेलना ही नहीं है भाई, कोई हमको लॉबी पहुँचा देता है। तभी हमको यहाँ पे बंदा दिख जाता है नीचे, तभी बंदा दिखता है तभी सीधा हम नीचे चले जाते हैं। तभी हमको यहाँ पे छोटा पिन के लड्डू की पिन खींचने की आवाज़ आती है। हमने कहा हमको मारोगे, अभी रुको। अब जैसे यहाँ पे देखा देखी चल रही होती है, तभी देखिए हम यहाँ पे नीचे जाते हैं। पीछे से हमको आवाज़ आ रही होती है, कुटूर पीटे कुटूर पीटे। हमने कहा आठ लो घंटा आप, आठ लो घंटा आप। अरे भाई आ गए तीनों घुटनों पे। अभी इसका चौथा मतलब कि चौरसिया बंदा बचा हुआ होता है। हमने कहा तुम दोनों पहले निकल लो लोबी बेटे, बाद में तुम जिंदा हो जाओ मतलब कि गुली गुली करे उससे पहले निकल लो लोबी। एक मंत्र हमारा याद रखना कि स्कोर गई पाड़वे, सबसे पहले नॉक किए हुए बंदे को लोबी पहुंचाओ। अब जैसे यहाँ पे देखते चौथा बंदा दौड़ा चला आता है। हमने कहा कंटाप, अरे भाई पर कंटाप नहीं बचता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है वो लोखन के एंगल है ना, उसमें गोलियां चली जाती है। हमने कहा वहाँ क्यों गोली चली, आ गए आठ लो कंटाप। अब जैसे इसको भी हम कंटाप बजाते हैं, तभी हमारे 19 स्किल कन्फर्म हो चुके थे। विकेट को तो अभी मजा आने लगा था। तभी देखिए हम यहाँ पे गा बगी लेकर जोन में जा रहे होते, तभी हमको यहाँ पे बंदे बुला लेते हैं कि आ जा बेटे, आज तो तू गया, आज तो हम तुझको मार कर ही रह गए, तेरे 19 स्किल है, अब तू देख हम भी तेरे पापे, ऐसा मुझको बोलते। हमने कहा हाँ भी ठीक है रुको, हाँ मैं यशो थामा, तुम हमको जानते नहीं हो, हमको कोई मार ही नहीं सकता, आपको तो पता होगा। अब देखिए हम अपने छोटे भीम के लड्डू की पिन खींचते हैं और हम श्लोक पढ़ते हैं कि जय श्री महाकाल, बंदे का फट जाए खोपड़ा और निकल जाए टट्टी। अब जैसे इसकी टट्टी निकालते हैं, तभी हम सोचते हैं क्यों ना इनके दूसरे बंदे की भी टट्टी कैसे हम निकालें। तभी सीधा हम आगे को घुस जाते हैं। अब जैसे आगे को जा रहे होते हैं, तभी देखिए यहाँ पे कांच बाँच फूटे हुए होते हैं खिड़कियों के। तभी देखते अरे अरे लप्पू तो बाहर ही है, अरे कहाँ गए बेटे, आ जा बेटे, तू ही बोल रहा था ना, कहाँ गया, आ गया। अट लेकिन तब